का अटैक सबसे पोटेंट नजर आता है वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से। कर ले बात, बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे आप? अच्छे हैं? चांद की तस्वीरें दिख रहे हैं, दिल खुश हो गया भाई साहब, एकदम आई मीन कमाल कर दिया हम लोगों ने। और बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। कुछ एक अंग्रेज पत्रकार थे, वो बड़ी बात कर रहे थे कि अरे देखो इनको हम किस गरीब देश को हम क्यों देते हैं फंडिंग। ओ हेलो यार, प्लीज जरा गिरेबान में झांक के देखो, आपकी जो ये रिचनेस है ना, इट केम फ्रॉम द अंपायर बेसिकली लूटिंग इंडिया। तो हमारे यहाँ से चीजें चुरा चुरा के ले गए हो, उसके बाद बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी, तो फिर सबसे बेहतर एक्चुअली दैट पॉइंट इन टाइम आई टेल यू आई एम वाचिंग दिस और लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। उसमें बताया कि जब ये हुआ था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंग्लैंड वर हियर, तो भारत की जो 30-40% ऑफ जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड वो भारत से आती थी। क्या है मतलब, हेलो चलो अपनी बात अलग अलग करो, कर जाओ बातें करते हैं बेफिजूल की। अब जरा क्रिकेट की बात कर लेते हैं, क्रिकेट की बात करना महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियंस है, उनकी बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनकी फास्ट बॉलिंग मुझे वैसे भी ओके ओके लगती है, खासतौर से सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस। और आज इस वीडियो में ना, आई वोंट पास अ वर्डिक्ट, आई वोंट टेल यू कि ये अच्छा है वो अच्छा है। आज मैं आपसे सुनना चाहता हूँ भाई कौन सबसे बेहतर है। अभी रिसेंटली हमने देखा पाकिस्तान ने किस तरीके से नेस्तनाबूद किया था अफगानिस्तान को। टीम उनकी बैटिंग में धड़ाम हो गई थी, लेकिन उसके बाद हारिस श्रॉफ का खौफ कमाल किया। और शाहीन शाह अफरीदी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, नसीम शाह ऑफकोर्स हैं, इंडिया के भी अब बुमराह वापस आ गए हैं। और जब बुमराह वापस आते हैं तो कहते हैं यार हम अच्छे लग रहे हैं, मतलब फीलिंग वेल। और शमी, सिराज, फिर आपके पास और विकल्प, ऑस्ट्रेलिया गुड फास्ट बॉलिंग अटैक का। पर इस बार ना मैंने सोचा फिल्टर लगाए जाए यार, क्योंकि सिर्फ ये कहना कि यार ये हमारे ना अच्छे लग रहे हैं, असी मुझे भारतीय अच्छे लगेंगे, पड़ोसी को पाकिस्तानी अच्छे लगेंगे, हो सकता है बांग्लादेश वाले कि हमारा फास्ट बॉलिंग का अटैक सबसे बेहतर है। आई मीन जिसकी जो होती है उसको अच्छा ही लगता है। पर मैंने कहा कि एक तो टोटल आंकड़े देखते हैं ओडीआई क्रिकेट में, और उसके बाद सब कॉन्टिनेंटल एशिया में कैसे आंकड़े हैं, क्योंकि एशिया के आंकड़े डिफाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आप कितने अच्छे हो, क्योंकि वर्ल्ड कप यहीं पे है। अब इन परिस्थितियों में अगर आप विकेट नहीं चटकाते, और ऐसे हैं कुछ खिलाड़ी जो नाम आपके साथ शेयर करूंगा जिनके आंकड़े बाकी तो बहुत खूबसूरत है, एकदम अभूतपूर्व है, लेकिन जैसे ही एशिया में पहुंचते हैं तो टाइम टाइम फेस हो जाते हैं। तो फिर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस टीम का, किस देश का सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक है फ्रॉम द वर्ल्ड कप पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स स्टार्ट विद इंडिया, क्योंकि हम तो होस्ट हैं, हमारे अपने से ही बात करनी चाहिए। तो जसप्रीत बुमराह का ओडीआई करियर, सबसे पहले जसप्रीत बुमराह ओडीआई करियर में 121 विकेट भाई ने चटकाए हैं, 24 की औसत से 4.63 का इकोनॉमी है। आई मीन ही इज ब्रिलियंट यार, 72 मैचेस में 121 विकेट्स, नियरली 2 विकेट्स पर गेम, दैट्स फिनोमिनल, बहुत अच्छे आंकड़े हैं। और इकोनॉमी बहुत अच्छा है, मेरे को तो एवरेज बहुत अच्छी लग रही है। इन एशिया ऑल्सो, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, एशिया में भी एवरेज ओवर 23.9 है, वर्ल्ड ओवर अगर 24.3 रहती है एशिया में और गिर जाती है। और एशिया में हम कहाँ खेलते हैं, हम तो बेसिकली ज्यादातर इंडिया और थोड़ी सी शायद यूएई में, बाकी बुमराह बहुत कम खेलते हैं, ट्रैवल कम करते हैं। तो दीज आर फिनोमिनल नंबर्स, 23 का औसत इज ब्यूटीफुल, यानी हर 23 रन पे एक विकेट, एक 10 ओवर के स्पेल में जनरली आप 45 रन देते हैं, यहाँ पे लिखा हमने 46, क्योंकि 4.65 का इकोनॉमी एट होम, यू आर लुकिंग एट 2 विकेट्स, दिस इज वेरी वेरी गुड। उसके साथ हमारे पास मोहम्मद शमी है, मोहम्मद शमी के ओवरऑल आंकड़े अच्छे हैं, 90 मुकाबलों में 162 विकेट्स, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्राइक रेट अगर आप पाएंगे, और यहाँ पे एवरेज सेम है, एवरेज ऑलमोस्ट सेम है अगर आप बुमराह से कंपेयर करें, बुमराह की 24 थी, यहाँ पे इनकी 25 है, 25.9 टू बी प्रिसाइज, तो नियरली 26। इकोनॉमी थोड़ा सा महंगा रहता है इनका, तो वो हमेशा रहता है, मतलब वो भारत के बाहर भी रहता है, वो एशिया में भी रहता है, 5.6 का इनका इकोनॉमी है, लेकिन एशिया में जब आप इनके प्रदर्शन देखते हैं तो थोड़ी सी समस्या आती है, थोड़ी सी नन्ही सी, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी आती है, क्योंकि 39 मैचेस में फिर सिर्फ 64 विकेट्स हैं, 64 विकेट्स इन 39 गेम्स, विच इज नॉट एग्जैक्टली 1.5 विकेट्स अ गेम, 40 में हाँ तो ठीक है, मतलब 1.5 विकेट्स तो यहाँ पे भी हैं, कर तो लेता है, विकेट तो लेता है बंदा, पर औसत 30 का हो जाता है, औसत 30 का हो जाता है, इकोनॉमी नियरली 6 की हो जाती है, थोड़ी सी पिटाई इनको होती है। मोहम्मद सिराज इज ब्रिलियंट, आई मीन ब्रिलियंट, छोटा सा नन्ना सा करियर, 23 मैच में 43 विकेट्स, 20 का औसत, 4.78 का इकोनॉमी, हम
सबसे बेहतर, शामी से बेहतर, बुमराह से बेहतर, एशिया में औसत हो जाता है 16.57 का, इकोनॉमी 4.51 का, एशिया में बाहर से भी ज्यादा बेहतर नंबर है। तो जो लोग ये बात कर रहे थे कि क्या सिराज की जगह उस शार्दुल ठाकुर को खिला सकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा को खिला सकते हैं, आप किसी को नहीं खिला सकते, आपको सिराज को ही खिलाना पड़ेगा, खिलाना चाहिए। अच्छा लग रहा है इंडिया का बोलिंग अटैक अगर हम तीन ही रखते हैं। फिर पड़ोसियों की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जनरली फेरी गुड, पाकिस्तान में आपके सामने शाहीन शाह अफरीदी के ओडीआई नंबर्स हैं, व्हिच आर नॉट बैड ओवरऑल। 37 मैच, 72 विकेट्स, नियरली 2 विकेट्स, 23 का औसत है, इकोनॉमी थोड़ी सी ज्यादा है, पर एशिया में और बेहतर हो जाता भैया। और एशिया में कुछ गेंदबाजों का बेहतर होगा क्योंकि उनकी रिवर्स स्विंग बेहतर होती है, वो पैडों पे स्टंप्स पे बॉल मारने की काबिलियत रखते हैं। तो शाहीन अफरीदी के ये नंबर्स आपके सामने, ये बेहतर हुए हैं एशिया में, यानी कि जब पाकिस्तान के फ्लैट पिचेस पे खेले हैं इज डन वेल, जब दुबई जाके खेले इज डन वेल, डन बेटर, तो इज गुड। हारिस रौफ, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी आप कह सकते हैं कि विकेट चटकाते हैं, पर इनके नंबर्स औसत अगर देखेंगे तो ओडीआई करियर का औसत इज अगेन 25-26, पर एशिया में थोड़ा बढ़ जाता है, नियरली 29 का हो जाता है, जिसमें से अभी पिछले मैच में 5 विकेट भी चटकाए हैं, उसके बावजूद दीज आर द नंबर्स। तो ये एक थोड़ा सा रहेगा, पर हारिस रौफ है, इज जस्ट गोइंग दिस वे। नसीम शाह तीसरे, इनका बहुत छोटा करियर है एक्चुअली, 9 मैच में 24 विकेट, विच इज फिनोमिनल, 14 का औसत है घर पे, मतलब घर पे एशिया में 6 मैचेस के अंदर 14 विकेट्स, सुपर नंबर है भैया। नसीम शाह के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, तो मुझे भारतीय नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, मुझे पाकिस्तान के नंबर्स भी अच्छे लग रहे हैं, एशिया के दृष्टिकोण से भी और जनरली ओडीआई के दृष्टिकोण से भी। तो इवन स्टीवंस है थोड़ा सा बेहतर, उनके पास एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है यार, हमारे पास जसप्रीत बुमराह, इंटरेस्टिंग। अब इसके बाद बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, मिचेल स्टार्क का, ये अगेन दीज आर इंटरेस्टिंग नंबर्स अगेन, क्योंकि मिचेल स्टार्क को अगर आपको पहचानना है, क्योंकि ना हम डेनिस लिली साहब की बात करते हैं, बहुत बड़े गेंदबाज रहे पर वो एशिया आए नहीं, एक आधी बार जब आए थे तो उन्होंने कुछ किया नहीं था, तो एशिया के नंबर्स ही नहीं होंगे। सो डेनिस लिली एज ग्रेट अ बॉलर एज ही इज, कोई एशिया का सैंपल साइज ही नहीं है, पर आप जब मिचेल स्टार्क को देखते हैं, इज नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलियन बॉलर इन ऑस्ट्रेलिया और इन इंग्लैंड और फेवरेबल कंडीशंस, एशिया में भी नंबर्स आर इक्वली गुड, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, सैंपल साइज भी अच्छा है, एशिया के बाहर तो ऑफकोर्स सैंपल साइज बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर भी 23 का औसत और 17 मैच 37 विकेट्स, नॉट बैड एट ऑल, 2 विकेट ज्यादा एक मैच में लेना इज अ फिनोमिनल थिंग। पैट कमिंस सिमिलर वंस अगेन, तो ये एक और चीज इनकी भी है, बाहर अंदर मतलब एशिया में एक्चुअली आंकड़े और बेहतर हो जाते हैं, इकोनॉमी नीचे गिर जाती है, औसत नीचे गिर जाती है, विच इज थम्स अप यार, बैटर का औसत ऊपर जाता है ना तो अच्छा होता है, गेंदबाज का औसत नीचे आता है तो अच्छा होता है, रन पर विकेट, सो दैट इज व्हाट ही डज, पर एक वीक लिंक नजर आता है जॉश हेजलवुड के रूप में, क्योंकि जॉश हेजलवुड अदरवाइज देखे तो 25 का औसत और 4.5 का इकोनॉमी अगेन, 69 मैच 108 विकेट आपके सामने, पर इन एशिया 8 मैच में मात्र 6 विकेट, इट्स हाईलाइट, 8 मैच में 6 विकेट, 61 का एवरेज है। एंड इंटरेस्टिंग इनफ एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे थी कि अभी तक हमने जिसके भी नंबर देखे ना, मोहम्मद शमी का थोड़ा सा भारत या कहीं एशिया में औसत ज्यादा, पर ही इज टेकन मोस्ट विकेट्स इन एशिया अमंग जितने भी हम ये चार टीमों की हमने बात करी आज, करनी है आज, उसमें सबसे बेहतर जो विकेट्स है, नंबर ऑफ विकेट्स, शमी थोड़े से एक्सपेंसिव, यस, क्योंकि एवरेज ज्यादा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूजीलैंड, ट्रेंट बोल्ट, और ट्रेंट बोल्ट के भी अगर आप देखें तो एशिया के बाहर या ओवरऑल नंबर्स आर फिनोमिनल, बट एशिया में नियरली 40 का औसत है यार, 40 का औसत है, 14 मैच में मात्र 17 विकेट, इज नॉट द सेम थ्रेट, क्यों, क्योंकि वो पुरानी गेंद से उतने विकेट नहीं चटकाते, इज अ न्यू बॉल बोलर, राइट, मोस्टली आई मीन लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, पर लीथल जो है तो न्यू बॉल से है, तो ये एक थोड़ी सी कमजोरी नजर आएगी। टिम साउदी ओवरऑल नंबर्स से बेहतर नंबर एशिया में, एंड देन यू वंडर कि ऐसा क्यों है, मे बी वो जो ऑफ कटर ज्यादा डालते हैं, थोड़ी सी मिश्रण इनके पास ज्यादा है, बैक एंड ऑफ द इनिंग्स में ज्यादा शायद गेंदबाजी करते हैं, इसलिए विकेट बहुत चटकाई हैं, इस वजह से वो रन पर विकेट जो है वो थोड़ा सा कम आ जाता है। 40 मैच पर 58 विकेट्स, 5 का इकोनॉमी, इट्स नॉट बैड। लॉकी फर्ग्यूसन का भी मतलब ऑलमोस्ट 30 का औसत बाहर, 29 का औसत घर पर, अभी वैसे इनकी टीमें अनाउंस नहीं हुई है, तो ये देखने लायक बात होगी भाई क्या है, पर न्यूजीलैंड का मैंने कहा था मैं नहीं बोलूंगा कि सबसे बेहतर कौन है, पर न्यूजीलैंड थोड़ा ऐसा लग रहा है ना, ये टीम मतलब मिलके पांच उंगलियां मिलके मुट्ठी वाली टीम है, पर फास्ट बोलिंग
क्यों कह रही है, हो सकता है मैट हेनरी का यहाँ नाम हो, काइल जेमिसन का नाम यहाँ पे, हो सकता है कि लॉकी फर्ग्यूसन, आई मीन वी डोंट नो ना, अभी टीम्स का आना बाकी है, पर इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, मैंने एक्चुअली एनालिसिस आपके साथ साझा किया है, तो जरा बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको। मोस्ट मैचेस जो खेले एशिया में वो है टीम सऊदी 40 गेम्स, द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स मोहम्मद शमी 64 विकेट्स, बेस्ट एवरेज मोहम्मद सिराज, बेस्ट इकोनॉमी मोहम्मद सिराज, तो दो चीजों में मोहम्मद सिराज नंबर वन जा रहे हैं। एशिया की बात कर रहे हैं हम, एशिया के नंबर्स की बात कर रहे हैं, और जॉश हेजलवुड फिगर्स आर टेरिबल, ही इज द वर्स्ट अमंग्स द लॉट, जिसने 6 मैच में मात्र 8 विकेट चटकाई है और बहुत पिटाई खाई है। तो अब आपके पास में आपकी राय के लिए छोड़े जा रहा हूं, आप मुझे बताइए किसका सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक लग रहा है, इज इट टीम पाकिस्तान, इज इट टीम इंडिया, इज इट ऑस्ट्रेलिया, इज इट समबडी एल्स। मैंने किसी को मतलब इंग्लैंड की मैंने बात नहीं की, साउथ अफ्रीका की मैंने बात नहीं की है, पर मुझे लगा कि इन चार की बात करेंगे उसके बाद और शुरुआत करेंगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाएगा, इन चार में सबसे